नमस्कार, बिंदास बोल के इस खास कार्यक्रम हेल्थ वेल्थ में आप सभी व्यूअर्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर ईशान्या राज, जो मोतीलाल नेहरू मंडली चिकित्सालय के एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी। आज हम खास बातचीत में एग्जामिनेशन, जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है और बच्चे और पेरेंट्स दोनों के बीच तनाव रहते हैं, बच्चे तो खासकर मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि ऐसे केसेस अभी कई सारे हमारे ओपीडी में आ रहे हैं कि बच्चे जहाँ एग्ज़ाम को लेकर के इतने ज़्यादा डरे हैं कि पहले ही वो सरेंडर कर दे रहे हैं कि शायद मेरे से अब नहीं हो पाएगा, और वो कुछ ऐसे बच्चे हैं इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि माता पिता भी उनको देख करके बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि ये जो परेशानी होती है, इसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है एग्ज़ाम फोबिया। मैम, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया एग्ज़ाम फोबिया, तो आप दर्शकों को बताएंगे ये एग्ज़ाम फोबिया क्या होता है? बिल्कुल, एग्जामिनेशन फोबिया को हम कैसे पहचानेंगे, इसके अलग अलग लक्षण हैं। अगर इसके शारीरिक लक्षण को देखेंगे तो बहुत थका हुआ सा महसूस होगा, शरीर में लगेगा कि हमारे शरीर में कोई जान ही नहीं है, हमें कुछ करने का मन नहीं करेगा, अकेले बैठे रहने का मन करेगा। या इसके इमोशनल लक्षण को अगर हम जाने तो उसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उदासी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, रोने का मन करेगा हमें, हम घबरा जाएंगे। और इसके साइकोलॉजिकल अलग अगर हम लक्षणों की बात करें तो थॉट के लेवल पे जो बच्चे हैं वो इतने ज़्यादा नकारात्मक विचारों को लेकर के उन विचारों में खो जाएंगे कि अब तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं, मतलब इरेशनल बिलीफ अपने अंदर ले आएंगे कि मैं पास नहीं कर सकता हूँ, इसको इतना कैटास्ट्रोफाइज करेंगे, बढ़ा चढ़ा के देखेंगे कि मैं अगर पास नहीं किया तो मेरे अपने जो हैं वो मुझसे बात नहीं करेंगे, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे फ़ोन करना बंद कर देगी, मैं अपने दोस्तों को क्या मुँह दिखाऊँगा। और साथ ही वो कहीं ना कहीं अलग अलग इरेशनल जो लॉजिक्स हैं वो अपने अंदर डेवलप कर लेंगे कि मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैं सही में फ़ेल हो जाऊंगा, मुझे तो ये आएगा नहीं, मैं कैसे लिख पाऊंगा। तो ऐसे कई सारे लक्षण हैं जिसे हम पहचान सकते हैं कि हम जो हैं वो एग्ज़ाम फोबिया से की स्थिति से या उसकी परेशानी से गुजर रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम फोबिया से आखिर हम कैसे दूर हो सकते हैं, या अगर हमें पता चल रहा है कि मुझे एग्ज़ाम फोबिया हो रहा है या मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, बच्चों को पढ़ाई भी बहुत करनी होती है, तो अगर वो स्ट्रेस में रहेंगे तो ऑब्वियसली कि वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो इससे हम कैसे दूर हो सकते हैं ताकि हम अच्छे से पढ़ाई पे अपना फोकस कर सकें? बिल्कुल, एग्जामिनेशन फोबिया की जो मैं बात कर रही हूँ, जो सिंपल इसको ऐसे समझिए कि एग्जामिनेशन रिलेटेड फीवर है ना। अभी किसी चीज़ को लेकर के हमें, या फियर भी बोल दे या फीवर भी बोल दे, वैसी वाली स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या होता है कि हम उससे भागने लगते हैं, हम उससे बचना चाहते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप सोचिए कि ये जो परिस्थिति है ये एक तनावपूर्ण परिस्थिति है। ये तनाव के समय हम दो तरीके से ही रिस्पॉन्स करते हैं ना, या तो फाइट करते हैं या तो फ्लाइट करते हैं। आपको समझना है कि अगर आप फ्लाइट करेंगे तो इसका आप सामना नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो भर के ऐसे जमा होते होते जब वो आउटबर्स्ट करेगा तो मेंटल इलनेस का रूप लेगा। तो आपको इससे भिड़ना है, है ना। अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होंगे तो ये एक बैकलॉग लग जाएगा जो आगे चल करके आपको उसका सामना करना ही है। तो कल जो मुझे इससे फाइट करना है, क्यों ना मैं आज फाइट करूं। और इसको एज अ स्ट्रेस अगर आप फाइट वाले रिस्पांस में लेकर के चलेंगे, वो वाला मोटिवेशन अपने अंदर लेकर के आएंगे, तो कहीं ना कहीं इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे आपके कोपिंग स्किल्स कहीं ना कहीं इन्हेंस होंगे। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सिर्फ बच्चे का ही रोल नहीं है, माता पिता का भी रोल है। जो लक्षणों के बारे में मैं बताई हूँ आपको, पहले माता पिता को पहचानना है कि बच्चा जो है क्या वो सामान्य से अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है, वो बहुत एग्ज़ाम का सुन करके रो रहा है, या किसी से बात नहीं कर रहा है, अपने आप को बंद कर लिया है, एक जगह पे बैठ के बस एग्ज़ाम एग्ज़ाम की बातें कर रहा है, और पढ़ाई करते समय नकारात्मक बातें ज़्यादा करता है, एग्ज़ाम के निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। तो अभिभावक को चाहिए कि ऐसे बच्चों को एक सकारात्मक माहौल दें, है ना। कभी कभी एज अ पेरेंट हम बच्चों पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेशर डालते हैं कि हमारे शर्मा जी के बेटे ने तो इतना अच्छा नंबर लाया, तुम्हें उससे अच्छा नंबर लाना है। इस तरीके के स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चों पे प्रेशर डेवलप करता है। तो बच्चों में ये प्रेशर ना होने दें। फिर क्या होता है, पेरेंट्स जो है ना, कभी कभी बचपन में या अपने एज में वो कुछ और बनना चाहते थे, वो बन नहीं पाए,
तो वो क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। तो उनको लगता है या अगर वो भी डॉक्टर हैं या डॉक्टर नहीं बन पाए, पीसीएस या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो क्रैक नहीं कर पाए, तो बच्चों को बोलेंगे मैंने नहीं किया तो तुम्हें तो करना है, या फिर मैंने कर लिया मतलब मैं डॉक्टर हूँ तो तुम्हें भी करना है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट से बचा जाना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर बच्चा आपको परेशान दिख रहा है आप उनसे बात कीजिए। कई बार बच्चे जो हैं वो बच्चे एडोलेसेंट जिस भी ग्रुप में हैं वो कई ऐसे इलॉजिकल बिलीफ और थॉट सिस्टम को लेकर के चलते हैं जो कि अगर वो किसी से बात कर ले, शेयर कर ले, तो वो तुरंत रिजॉल्व हो जाए ऑन द स्पॉट। मतलब उनके थॉट में जो इरेशनल चीज़ें हैं उनको हम रैशनल या लॉजिक के थ्रू पहले तो थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करें। तो हो सकता है जो अपने मन में वो किसी चीज़ या किसी बात को लेकर के घुटन में है, एज अ पेरेंट आपको जब पता लगेगा तो आप उसको सही कुछ जानकारी दे पाएंगे, सही तरीके से किसी तरीके से कैसे डील करना है उसको आप बता पाएंगे। ये पेरेंट का रोल हुआ। और एज अ स्टूडेंट सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, तो वो एग्ज़ाम हमारी डेस्टिनी या हमारा लाइफ डिसाइड नहीं करता है। लाइफ के हर फेज़ में एग्ज़ाम होता है, अगर आप देखें तो हर स्थिति में हम एग्ज़ाम देते हैं। तो इस छोटे से एग्ज़ाम को इतना बड़ा अगर आप कैटास्ट्रोफाइज कर रहे हैं कि ये पास कर लिए तभी मेरी ज़िंदगी है, नहीं पास करे तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गया, ऐसे सोच को दिमाग से निकालिए। कई बार ऐसा होता है जब बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पेपर मिलने से पहले वो अचानक से सब भूल जाता है। पढ़ा हुआ सब रहता है लेकिन वो भूल जाता है कि उसने क्या पढ़ाई की थी या इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए उसे? बिल्कुल, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है तो आपको समझना है कि मुझे एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के दौरान और एग्ज़ाम के बाद क्या क्या एहतियात बरतना है। तो एग्ज़ाम से पहले हम सब जानते हैं कि कोई नए टॉपिक को लेकर के नहीं बैठना है, जो हमने पढ़ा है सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको हमें एक बार रिवाइज ज़रूर करना है। और जब हम रिवाइज करें तो उसको कुछ ना कुछ लेटर या न्यूमोनिक्स के अकॉर्डिंग इस तरीके से बनाएं कि तुरंत हम जल्दी उन चीज़ों को रिवाइज कर पाएं। या फिर फ्लो चार्ट, जैसे अब मैं कर रही थी कि मैं फ़्लो चार्ट के माध्यम से या कोड वर्ड के माध्यम से उन चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश कर रही थी, उस पर ध्यान देना है। नींद अच्छी लेनी है, ये मैं एग्ज़ाम से पहले की बात बता रही हूँ। डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है, टेंशन और स्ट्रेस से दूर रहना है। बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे अभी ये कंप्लीट करना है, मुझे ये करना है। मतलब आप जितने अपने थॉट को निगेटिव चीज़ों से ऑक्यूपाइड रखेंगे तो वैसा ही थॉट आपके इमोशन को निगेटिव करेगा और बिहेवियर की प्रोडक्टिविटी को लो करेगा। तो ये एग्ज़ाम से पहले की बात हो गई। बिल्कुल पॉजिटिव होना है, अपने आप को थ्रू सेल्फ मोटिवेटिंग जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उससे अपने आप को बताना है, समझाना है कि मैं कर लूँगा, मेरे से होगा, मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा। और जो भी परफॉर्मेंस होगा मैं उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचूँगा, ठीक है। एग्ज़ाम के दौरान अब हमें क्या करना है कि बहुत आराम से सो के उठ के जाएंगे, है ना, रिवाइज कर लिया, सबसे पहले तो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव लेकर के जाएंगे कि जो होगा अच्छा होगा। थॉट पॉजिटिव है, इमोशनली भी हम एंशियस नहीं होंगे, लो फील नहीं करेंगे, मतलब निगेटिविटी नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन का अनुभव होगा, आराम से बैठेंगे, मन घबरा रहा है, डीप ब्रीदिंग कर लेंगे, पानी पी लेंगे, फिर आराम से पहले जितनी जानकारियाँ, आपका नाम, रोल नंबर, वो सब लिखना है वो पहले लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें मुझे लग रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये वाला आंसर मैं अच्छे से दे सकता हूँ, उन आंसर्स को मुझे पहले अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो डिफ़िकल्ट वाले हैं उनके ऊपर मुझे जाना है और टाइम का खासा ध्यान रखना है, है ना। जैसे जैसे आप इजी टू कॉम्प्लेक्स में जाएंगे ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा ये हो गया अब ये बचा है। तो उसको टाइम के अकॉर्डिंग जो जैसे आ रहा है आपको अटेम्प्ट करना है, और कोशिश कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करें। के बाद क्या है, एग्ज़ाम देकर जब आप बाहर निकले तो कोशिश करें कि लोगों से डिस्कस ना करें। ये एग्ज़ाम के पहले भी क्या क्वेश्चन आएगा, ये होगा वो होगा, वो जो एग्ज़ाम का प्री पोस्ट डिस्कशन होता है ना, उससे ज़रूर बचें ताकि पहले भी निगेटिविटी ना आए और बाद में भी निगेटिविटी ना आए। और जा कर के थोड़ा ब्रेक लें, आराम लें, तब दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करें। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। दर्शकों को भी हमारी बहुत हेल्प मिला होगा आज, कि उन्होंने एग्ज़ाम से रिलेटेड पेरेंट्स को भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही
बीच बीच में प्रोग्राम लेकर हम आप सबके बीच आते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।